कितना नंबर? 300 के ऊपर? 85 नंबर, 85% से ऊपर। अरे भाई, तब हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। अभी हो रहे हैं भाई रात के 5:42, इसमें टाइम गलत है, अभी हो रहा है 7:49, मतलब रात के 8 बज रहे हैं अभी। और इस टाइम मैंने सोचा कि भाई चलो ब्लॉग बनाते हैं, काफी टाइम हो गया, सोचा भाई कि कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे ब्लॉग बनाते हैं। और यहाँ पे भाई पीछे देखो मसाज चल रहा है भाई, हेयर केयर रूटीन। जमजम यहाँ पे मसाज कर रहा है फरहान के बाल का, भी अपने बाल में भी देखो इसने तेल लगा लिया और बाल बड़े कर रहे हैं भाई इसका। और इसका प्लान है बाल बड़े करने का। जमजम का तो बड़ा बाल हो भी गया है, पीछे का देखो आगे का भी। और फरहान अभी भाई लाइन में है, ये भी बाल अपने बड़े कर रहा है, लेकिन इसका अभी ज्यादा नहीं है, पीछे का भी कम है। अभी जाएगा और पीछे, और अपना पढ़ाई कर रहा है, ये होमवर्क जो मिला इसको ट्यूशन में, क्योंकि फरहान के बोर्ड्स आने वाले हैं 2 महीने के बाद। अभी चल रहा है दिसंबर खत्म, जनवरी फरवरी के लास्ट में शायद, तो उसके लिए ये ट्यूशन यहाँ पे करता है, तो होमवर्क बना रहा है अभी। हीटर यहाँ पे मस्त इन लोगों ने लगा दिया है और तीनों बैठे हैं यहाँ पे। और पीसी मैंने ऑन किया था, देखो ये जो जमजम ने लगा रखा है ना यार होम स्क्रीन पे, बहुत मस्त लग रहा है मुझे। तुमने लगाया था? कहाँ से मिला ये तुमको? दो दिन पहले लगाया था। अच्छा लग रहा है यार। और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में देखो भाई मेरा सिल्वर प्ले बटन, इसको मैंने रख दिया था अलमारी में, डब्बे में ही था, बहुत टाइम के बाद यार इसको निकाला है। और इसमें ये देखो भाई शीशा, शीशे का काम करता है, इसमें शक्ल भी देख सकते हैं हम। और ये रहा भाई आसिफ गेमर लाइव फॉर पासिंग 100K सब्सक्राइबर्स, 1 लाख सब्सक्राइबर्स, और नीचे यूट्यूब। ये देख लो भाई सिल्वर प्ले बटन, दिल्ली से जब मैं लेके आया था उसके बाद अभी निकाला है। मैं कल लगाने वाला था इसको यहाँ पे, ये जो अपना सेटअप है ना, तो मैं लगाने वाला था इसको यहाँ पे। कल मैंने यहाँ पे कील भी मारा था लेकिन ये हुआ नहीं, टेढ़ा हो गया भाई, टूट गया, मतलब अंदर नहीं गया कील, तो इसके वजह से मैंने छोड़ दिया। और आज मैं लाइव भी नहीं आ पाया इसके वजह से भाई, देखो फिर से इसमें आ गया रेड लाइट, राउटर में भी और इसमें भी रेड लाइट आ गया। और आज ना मौसम थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही खराब था, मतलब आज धूप हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। वाईफाई वाले से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि फाइबर जो है वो टूट गया है, तो इसके वजह से रेड लाइट आया वाईफाई में। बाकी देखते हैं कल तक अगर ठीक हो जाए। कौन आया? कौन गेट पे कोई आया है? अभी देखते हैं भाई कौन है। तसान है, ये है तसान। इधर आओ, इधर आओ। क्या लेके आए भाई? ये देखो भाई, ये मेरा लड़का है दोस्तों। लड़के नहीं है मेरे, कैमरे के सामने नहीं बोल रहा भाई, शर्मा रहा है। कुछ तो लेके आया है खाने पीने के लिए, देखते हैं अभी क्या है। बिरयानी, गाजर का हलवा, दिखाना। तसान तुम्हारा दोस्त है ना? ये भाई ये लेके आया गाजर का हलवा, अभी खाएंगे गरम गरम। गरम ही है भाई पूरा। अगर से पूछना पड़ेगा चाहिए कि बाद में। बोल दो प्लेट कल मिलेगा, बोल दो कल दे देंगे हम, दो लाके बोल दो प्लेट कल मिलेगा धोके। प्लेट कल मिलेगा भाई, प्लेट कल जाके बोल देना भाई, प्लेट कल देंगे इसको। और ये देखो गाड़ी अपनी यहीं पे है, इसको थोड़ा और आगे करके लगा दो, यहाँ पे बीच में करो करो करो। बस बस बस, जमजम का थोड़ा सा सिल्की बाल है, तो कटवाओगे नहीं क्या? मतलब कोई कर्ली भी करवाते हैं, कटवाओगे नहीं? अभी बड़ा क्या हुआ है, कटवाने लग हुआ तब ना कटवाएं। साइड का कम से कम, साइड का भी ये मतलब सब एक बड़ा इसका देखो, इसका तो बड़ा हुआ है ना, तो कम से कम इसका जमजम का यार बाल, ऐसा मेरा होता तो क्या ही कहने। लेकिन स्कूल में पढ़ता है, इसको बोलते नहीं यार। ये देखो भाई पीछे के, इसका पीछे का बाल देखो कितना बड़ा है, ये देखो। सर डांट रहे हैं क्या? बोल तो रहे हैं, ठंड है इसलिए थोड़ा भी रख लो। बोलो सुबह केसरी। अब 7th-8th क्लास में है ये, और इतने बड़े बड़े बाल करेगा तो कोई भी बोलेगा कटवा लो। ठंड की वजह से अभी कुछ नहीं बोल रहे टीचर इसको ज्यादा, ठंड के बाद पक्का बोलेंगे कटवाओ कटवाओ, कैसे भी कटवाओ। अभी ठंड है ना, तो इसकी वजह से टोपी ओपी लगा के जाएगा तो उसमें दिखेगा नहीं ज्यादा। दो भाई जरा गाजर खा लो, खाने टेस्ट करे। ये देखो भाई इतना खत्म कर दिया इन लोगों ने, थोड़ा बहुत खा के देखते हैं कैसा लग रहा है कैसा नहीं। अच्छा मस्त बाल, अच्छा है यार। तुम टेंशन में आ गए कैमरे में देखने लग गए। रेहान का देखो, रेहान का भी सिल्की बाल है, ठीक है। जमजम का भी वैसे ही है, फरहान का और मेरा बाल थोड़ा सा कर्ली टाइप है। मैं तो मेरा बाल ही नहीं है यार, एकदम छोटा छोटा, 2 साल से मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। बाल बड़े की बहुत टाइम हो गया, अब बढ़ाऊंगा मैं भी भाई, अब थोड़ा बड़े बड़े बाल रखूंगा। मैंने नॉर्मल भी हेयर स्टाइल नहीं रखा है 2 साल से, ऐसे ही छोटा छोटा 0-1 नंबर में करके घूम रहा हूँ, लेकिन अब बड़े करेंगे भाई, थोड़ा बहुत मीडियम ताकि अच्छा लगे। अब बहुत हो गया भाई, अब बहुत हो गया गंजा होकर घूम। क्या क्या हेयर लाइन था फरहान भाई का? कम से कम 4 एंड हाफ आने चाहिए। 1, 2, 3, 4, और ये 5। रेहान भाई का भी करो। तुम्हारा कितना आता है? मेरा एकदम 4। वो ऐसा नहीं किया जाता यार, बाल को पीछे नहीं किया जाता बार बार। मेरा करना 10 के ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5 इधर से करेंगे तो 5 एंड हाफ। इधर से कौन करता है भाई, सामने 4 हेड। इसका सही है, इसका 3 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। माथा बहुत बड़ा है। रेहान का भी 5, मेरा भी 5, जमजम का 4 और फरहान का 4 एंड हाफ है ना।
साढ़े चार तुम्हारा सबसे कम है। इस पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, जितना सोचोगे ना इसके बारे में बाल बाल मैं सोचता ही नहीं हूं। बस जैसा है चलने दो भाई जिंदगी। अब इसको टेंशन हो गया भाई जब से मैंने बोल दिया। तो मेरे ये नीचे के बाल काट दोगे तब तो 6 पहुंच जाएगा। तुम्हारा भी अच्छा लग रहा है यार फरहान, अभी पीछे का हल्का बड़ा है तो देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना फिर उसके बाद और मस्त लगेगा। एकदम जेड ब्लैक। और इसका मूंछ भी भाई मेरे से खतरनाक एकदम ब्लैक। एक बार फरहान भाई ने कलर करवाया था तो कलर वाले को दो बार करना पड़ा था बाल कलर करने के लिए। बाल इसने कलर किया था मजाक मजाक में, तो इसने कलर किया था तो इसका कलर मतलब रंग चढ़ गया ठीक है। फरहान का हुआ ही नहीं, दो बार करना पड़ा। और बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं बड़ा हूँ कि ये बड़ा है, तो मेरा मूंछ जो है वो थोड़ा सा ब्राउन पे भी है, मतलब ज्यादा ब्लैक नहीं है हल्का, और इसका एकदम ब्लैक भाई जेड ब्लैक घना है बहुत मूंछ। और मेरा थोड़ा पतला समझ में आता है नहीं कौन बड़ा है। तुम्हारा मूंछ भाई, जब मेरा दाढ़ी नहीं था ना, जब दाढ़ी नहीं था सिर्फ मूंछ मूंछ था, इसका मूंछ ज्यादा खतरनाक लगता है भाई गब्बर सिंह। मेरा थोड़ा सा कम है, सॉफ्ट सॉफ्ट है और कम है क्योंकि मैंने ब्लेड नहीं चलाया है अभी तक। अबू ने स्पेशली मना किया कि गाल पे कभी ब्लेड नहीं चलना चाहिए और मैं चलाऊंगा। तुमने मजाक मजाक में गलती से एक बार चला दिया था याद करो दिल्ली में, चलाया था कि नहीं खुद से बताओ बताओ चलाया था कि नहीं? छिला हुआ मुर्गा हो गया था भाई, मूली पूरा मूंछ दाढ़ी वाड़ी दाढ़ी था नहीं इस टाइम पे मूंछ। मजाक मजाक में पता नहीं इसके दीवान में क्या आया। अब इसने एक बार मूंछ हटा दिया था वो भी ब्लेड से, मतलब यहाँ पे ब्लेड चला दिया था, मैंने नहीं चलाया भाई अभी तक। तो ये जो है मेरा पामी है, इसको मैं कहीं भी कभी भी अपनी खेती को जिस हिसाब से रख सकता हूँ। दाढ़ी पे भी नहीं चलाया मैंने अभी तक। ट्रिमर था, ट्रिमर था तो मैंने सोचा एक बार ट्राई मार दिया मैंने बस। और तुम उसके बाद तुमने सोचा कि अब छोड़ भी नहीं सकते आधा अधूरा। ट्रिमर था इसने चेक किया थोड़ा सा चला के, फिर थोड़ा चल गया उड़ गया। इस साइड का मूंछ है, इस साइड का नहीं है, फिर इसने पूरा किया, करना पड़ा भाई मजबूरी में। आधा रखेगा तो मुझे मुंडा हो जाएगा। और अभी ना मेरी दाढ़ी यार बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई है, नीचे का देखो एकदम, और साइड साइड में भी एकदम ज्यादा बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया। बनवाऊंगा कल कल या परसों दाढ़ी और बाल एक साथ, या फिर बाल नहीं सिर्फ दाढ़ी। बाल नहीं फिर से टकला, क्या करवाइए कितना बड़ा है। दाढ़ी सही लग रहा है या बनवा दूं? सही है, सही मिलवा लीजिए, सही होगा, बहुत ज्यादा मतलब अजीब सा लग रहा है। साइड साइड से निकल रहा है ना पूरा यार, अभी तो कुछ नहीं, जब मैं बाइक चला के जाता हूँ ये पूरा इतना निकल जाता है भाई साइड साइड से, मतलब ऐसे पूरा साइड साइड में आ जाता है। ऐसा लगता है कि यार किसी ने धोखा दे दिया जिंदगी में और मैं दाढ़ी बढ़ा के रोमियो बन के कबीर सिंह का पार्ट टू बनाने वाला हूँ। पढ़ो पढ़ो फरहान पढ़ो, दो महीना डेढ़ महीना और एग्जाम में, देखते हैं भाई टेंथ का एग्जाम में फरहान टॉप मारता है। सबका ब्लॉग बनेगा, फर्स्ट डिवीजन ला के दिखाऊंगा। क्या फर्स्ट? मैं वो तो अगर फर्स्ट तुम आ गए तो आईफोन आईफोन चाहिए भाई। देखो इसका फोन खराब हो गया ऑटोमेटिक, मतलब कुछ भी गाने सुनता है ना ये तो साउंड खुद ब खुद कम हो जाता है। साउंड एकदम बेकार, पहले हुआ तो मतलब ये होता रहता है, फिर उसके बाद कभी कभी ठीक हो जाता है, लेकिन ये स्पीकर खराब, बीच बीच में फोन में पूरा ऐड भी चलता है। तो रेडमी का फोन है, इसने 4 साल पहले लिया था तो अब जवाब दे दिया है उसने, तो इसको चाहिए वाई फोन। फर्स्ट डिवीजन अगर तुमने ला दिया ना, कितना नंबर? 300 के ऊपर, 85% से ऊपर। भाई खुद ही उम्मीद नहीं, तो आईफोन चाहिए तो भाई कम से कम 85 तो नॉर्मल बोला मैंने, 90 भी नहीं, 95 कुछ नहीं भाई, सेकंड पे कहाँ कुछ नहीं, सेकंड में सेकंड है। आईफोन मेरे हाथ में थोड़ी है, मेरे पास पैसे कहाँ से? अबू से बोल रहे, अबू से इसने बोला था कि आईफोन चाहिए, अबू नहीं दिलवाएंगे। अभी आईफोन लेके क्या करोगे? वो भी बात है यार, आईफोन क्योंकि सस्ता नहीं मिलता, मैंने तो लिया है तो चलो किसी पर्पस से लिया है, कुछ बता के लिया है, ईएमआई पे लिया है। नहीं भाई ईएमआई पे नहीं लिया था, ब्लॉग तो बनाया था मैंने, कैश पे लिया था। लेकिन फिर भी अरहान का कोई रीजन नहीं है भाई फोन दिलवाने का, वो भी आईफोन मेरे पास होता तो मैं दिलवा देता इसको एकदम। 14-15 का ऐसा कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन 11-13 तक दिलवा सकता हूँ। आईफोन होता सेव होता इसके पीछे, बस आधा सेव। कौन फोन है यार, इसको भी वही फील आ रहा है, उसको चलाओ तो वही फील है बस। कैमरा क्वालिटी है इसमें ज्यादा अच्छा, और कैमरे का इसका कोई है काम नहीं, मेरे पास है थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाने का तो इसकी वजह से लिया था मैंने। आईफोन लेने का कोई मतलब नहीं। हाँ मतलब नहीं, नॉर्मल फोन एकदम। वैसे भी फोन बहुत सारा है घर पे, फोन बहुत है भाई, 3 फोन है, सब कुछ है, स्मार्ट टीवी है, कोई फायदा नहीं है आईफोन लेने का। पीसी है इसका, देखो अभी जाके ये बैठ गया, पीसी भी है फोन। लेकिन कुछ ना कुछ तो तुम्हें सरप्राइज या गिफ्ट जरूर मिलेगा अगर तुमने फर्स्ट डिवीजन लाया तो। फर्स्ट नंबर कितने भी हो फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है? ठीक है,
क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम है। दिसंबर का महीना मानो खत्म, जनवरी और फरवरी के 15 तारीख के बाद शायद से स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम 15 फरवरी को। और इसने मेरे साथ 10th का एग्जाम दिया था, लेकिन उस टाइम पे बिना पढ़े दिया था। सेकंड आया था, मैं भी सेकंड आया था, लेकिन मैंने दोबारा नहीं दिया इस वजह से क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने दिल्ली में टाइम वेस्ट किया था काफी, तो इसलिए मैंने फिर 11th में एडमिशन ले लिया। और फरहान का भी एज ज्यादा है नहीं, तो इसका अब्बू ने सोचा कि फिर से दो, फर्स्ट डिवीजन आना जरूरी है, मतलब अच्छा होना चाहिए मार्कशीट सर्टिफिकेट की कहीं एडमिशन लेने जाए तो फिर कोई दिक्कत ना हो। तो इसकी वजह से ये दोबारा दे रहा है, ट्यूशन करता है, पढ़ाई कर रहा है अभी। देखते हैं भाई क्या होता है एग्जाम में, फरवरी में एग्जाम है, लेकिन फर्स्ट आएगा तो इसको कुछ देंगे पक्का। अबे इसमें बहुत गुस्सा आएगा, इसको मत खेलो। आज तक तुम इस पत्थर के ऊपर गए नहीं और तुम क्या ये गेम खेल रहे हो? बहुत ऊपर तक गया हूं मैं तो। इसके ऊपर जाके दिखाओ ना, पत्थर के ऊपर, मान जाऊंगा उस वाले वुड पे, वो लकड़ी जो है ना ऊपर में, वहां तक टच करवा दो, मान जाऊंगा तुम्हें। यहाँ से तुम ऊपर नहीं जा पा रहे और तुम गेटिंग ओवर इट खेलोगे हैं? चलो चलो गेटिंग एंग्री, वही तो हो गया इसका काम। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं होगा। हाँ, और एक और चीज, टोटल गेमिंग अज्जू भाई का फेस रिवील होने वाला है कल 9:30 सुबह में। किसको किसको पता है? टीजर नहीं यार, कम्युनिटी अभी मैंने देखा था, यूट्यूब ओपन किया था तो कम्युनिटी था, और प्रीमियम कर दिया भाई वीडियो उन्होंने, लिंक विंक सब डाल दी, सब कुछ वीडियो देखा जाएगा कल। 30 तारीख है ना, 9:30 कल मॉर्निंग में। कल स्कूल एब्सेंट मार दो भाई, अज्जू भाई का फेस रिवील देखना है। फेस रिवील वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा मेरे को 2:00 तक का। आप लोगों ने गीजर यूज किया, मैंने छत पे एकदम ठंडे पानी, तो टाइम नहीं था तो इसको छत पे हमने भेज दिया कि एक एक करके अगर नहाएंगे ना। मैंने इसलिए इसको छत पे बोल दिया नहाने के लिए, क्योंकि एक एक करके हम लोग बाथरूम में नहाते तो टाइम लग जाता, नमाज का टाइम निकल जाता। उसके वजह से मैंने बोला तुम छत पे जाओ भाई, इतने ठंडे पानी से इसने नहाया होगा ना। हमने गीजर यूज किया और इसने ना इंसाफी हो गया इसके साथ, इसने टंकी के पानी से ठंडे पानी से नहा लिया रेहान ने। हिम्मत ओपी, मम्मी ने मना किया कि मत जाओ, लेकिन नमाज छूट जाता। रेहान फुल सीरियस है भाई, तुम लोग कहीं की बात कर लो इसका ध्यान नहीं आने वाला तुम्हारी बातों पे। और हैंडराइटिंग का मैंने तारीफ कर दिया, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। और भाई गाजर का हलवा पूरा खत्म, सब खा गए हम लोग, इतना टेस्टी था, मजा आया खा के। घर पे बनाया था, मतलब होटल वाली बिल्कुल, मतलब क्या बोलूं, वैसा ही था बिल्कुल, मतलब पूरा सेम काजू वाजू डाल के एकदम एकदम पूरा मटेरियल भी सारा वही था। अच्छा देखो भाई, पूरा चाट चाट के हमने खा लिया, खत्म कर दिया एकदम सब ने, चारों ने मिलकर। अच्छा बनाती है मछली हो जाए चाहे कुछ भी हो। और गाइस अभी जो हीटर है मैं इस वाले रूम में लेके आ गया हूँ यहाँ पे, इसके वजह से थोड़ा सा ये रूम भी हीट हो जाए। और इसका ये देखो, ये है बिस्तर, यहीं पे सोता है ये, और हीटर को यहाँ पे रख दिया है। अब थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, अभी देखो कैसे डरता है भाई इससे बहुत ज्यादा। उठ गया देखो, उठ के इधर भाग गया। इसको ऐसे हम लोग थोड़ा सा भी हिला देते हैं ना, इसको आगे पीछे अगर कर दिया ना हीटर को, तो डर के भाग जाएगा। देखो उठ गया भाई, बैठ जाओ भाई, बैठो इधर इधर इधर, अभी देखो कितना डर गया। शाबाश, बैठ जाओ, भाग गया। देखो अभी इतना डर गया कि इसके नीचे जा रहा है भाई, टेबल के पूरा भाग गया। देखो इसके नीचे भाग गया, ये भी गिरा दिया इसने। अभी जब मैं चला जाऊंगा ना तब आके बैठेगा। चलो भाई चलते हैं, मैं चला जाऊंगा तो आके खुद ब खुद ही बैठ जाएगा। जा रहा हूँ, ठीक है जा रहा हूँ। डर जाता है यार हीटर देख के ही, मतलब हीटर आगे कर रहे हो ना तो खुद ब खुद ही डर के भाग जाएगा। और रेहान यहाँ पे हेडफोन लगा के पुशअप्स करते हुए, हेडफोन नहीं है भाई, ये देखो बनी गई है, इसने लगा रखा है कान में। गाना चल रहा है रेहान? गाना कहाँ से चलेगा भाई, कुछ भी नहीं। सबको बॉडी बनाने का जुनून सवार है। जो नीचे वाला पुराना वाला रूम है ना, मैं सोच रहा हूँ उसमें अपना जिम बनाया भाई। और जिम कैसे, थोड़ा बहुत डंबल और एक बेंच और थोड़ा बहुत मतलब कुछ भी इक्विपमेंट्स लाके, और नीचे जो सबसे ओल्ड वाला अपना रूम है जिसमें हम पहले रहते थे, पुराना वाला रूम, उसमें बनाए। अभी तो बंद होगा, लॉक होगा, कल दिखाऊंगा। अंधेरा भी होगा और लॉक कर दिया होगा मैंने, कल दिखाऊंगा अच्छे से। तो उसमें जिम बनाने का हम लोग सोच रहे हैं क्योंकि मेरा भी बहुत मन है, और यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा डेली, तो थोड़ा सा आलस आ जाएगा यार। एक दिन जाओ फिर दूसरे दिन मन करेगा आज नहीं कल। और मेरा भी मन है, फरहान का भी मन है, रेहान तो कर ही रहा है उसका भी मन है, तो थोड़ा बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज घर पे ही हो जाएगा। और धीरे धीरे हम लोग सामान ज्यादा कर लेंगे, पहले 1-2 डंबल होगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत आदत हो जाएगा, फिर उसके बाद और डंबल लेके आ जाओ और बेंच लेके आ जाओ। अभी फिलहाल नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं अब्बू से बात करूंगा जिम के इक्विपमेंट्स के लिए। नीचे वाले रूम में मस्त बनाएंगे, सबका मन है सब कर लेंगे एक साथ, वरना अगर मैं करूंगा तो 6-7 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ेगा और मैं अकेले ही कर पाऊंगा। यहाँ नीचे रहेगा तो जिसको मन वो कर सकता है, फरहान भी कर सकता है, रेहान भी, जमजम भी, सारे। बैठ गया कि नहीं है? बैठ गया, बैठने दो, इसके सामने खड़ी रहोगी नहीं बैठेगा ये। अबे बैठ जाओ भाई, ओए नहीं बैठना, नहीं बैठना, मेरी वजह से हुआ है तो वो बैठ जाएगा, वो तुम लोग ध्यान मत देना इसके ऊपर, बैठ जाएगा खुद से। चलो मैं बंद कर रहा हूँ। उसके सामने खड़े रहेंगे कैसे बैठेगा वो, उसको छोड़ के साइड हटेंगे तो खुद से बैठ जाएगा भाई। तुम हटो, वो बैठ जाएगा खुद से। अरे हट गया आपकी सोयर।
ज्ञानी बाबा मैं तो ब्लॉग बना रहा था। उसके पास से तुम हट जाओगे बैठ जाएगा खुद से? नहीं बैठेगा। तुमने बहुत मेहनत से बैठा था इसको। हाँ। तो हट जाओ बैठ जाएगा खुद से। डर गया है हीटर की वजह से। अबे भाई है हेलो नहीं बैठना। बैठ जाएगा बैठ जाएगा अभी बैठ। नहीं बैठेगा। बैठ जाएगा। बैठाइए वो किसी को बैठाने की जरूरत नहीं खुद से बैठ जाएगा। फरहान की पढ़ाई भाई कंप्लीट और यहाँ पे रेहान अब गाना सुनने लगा फुल वाइब में भाई। अपू सब मारेगा हो गया खत्म बस। क्या टॉपर बनोगे भाई? आधा घंटा पढ़ाई करा इसने बस। फोर्टीन प्रो मैक्स नहीं मिल सकता सॉरी ब्रो। क्या हुआ? तुम्हें नहीं आएगा टेंशन मत लो। सुनो सुनो तुम गाने सुनते हैं भाई दोनों कान में लगा के आवाज कहाँ से आएगा? बूथ लेके आगे चल जाएंगे। अकेला सही है तुझे। अकेला थोड़ी फरहान भी होगा साथ में। नहीं तो चलेंगे उधर अकेले हो जाएंगे। राहुल भाई तो उसमें सोएंगे। इसमें दो आदमी हम लोग सो जाएंगे। नहीं क्यों नहीं? अरे फिर वो राहुल भाई इसमें नहीं सोते हैं उस रूम में सोते हैं। सो लेंगे यार एडजस्ट हो जाएगा कोई बात नहीं। क्या उतने बड़े रूम में जन भाई अकेले से? उसमें तो यार मेरे सोने का इसलिए मन नहीं है ना क्योंकि उसमें यार इसमें मैं ज्यादा इसलिए रहता हूँ क्योंकि इसमें आवाज ज्यादा नहीं जाता। और उसको देखो ऊपर मैंने पैक कर दिया है वहाँ पे और इधर भी पैक कर दिया है मैंने तो रूम के बाहर आवाज नहीं जाता और उसमें से आवाज जाता है यार अगल बगल में तो डिस्टर्ब होते हैं लोग इसके वजह से मैं इसमें ज्यादा रहता हूँ। है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं भाई? मैं गया था इसके स्कूल में बाल मेला था कल। हर टीचर यार इसकी तारीफ बुला बुला के मेरे को कि महक बहुत अच्छी है हर चीज में बहुत अच्छी है डिसिप्लिन में स्पोर्ट्स में ड्राइंग में हैंडराइटिंग में साइंस में मैथ्स में। क्या कर दिया यार तुमने ऐसे घुस दिया है सबको इसने है? नहीं। और अभी हो रहे हैं रात के 9:32 और अभी मैं जाऊंगा ब्लॉग को एडिट करने के लिए तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय 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 गुड नाइट टेक केयर टाटा।